जम्मू कश्मीर के महेंद्र में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने पीडीपी, भाजपा और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस एनआईए के हवाले की और कहा एनआईए वाले हमारी पुलिस आपकी मदद करेंगे। आज आप मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, आज आप कहते हो हमें अफसोस है। जमात इस्लामी पे बैन, आखिरकार जमात इस्लामी पे कार्रवाई शुरू कब हुई? जब आप वजीर आला थे, आपकी हुकूमत में तो ये सारा शुरू हुआ। आप जब बैन लगा, आप कहते हो ये सकती है। ये तमाम हालात जो है इनके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सब हकीकत से हम छुप नहीं सकते। 2014 से पहले जमात इस्लामी पे बैन क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, ना हम इसकी इजाजत देते। 2014 से पहले हमारा हाईवे क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देते। आज जनाब हम अपने सड़कों के मान में हर मशीन के चौथे नंबर पे बटन होगा, तारीख है 11 तारीख। बोल पा ठीक है, ठीक है, ठीक है। गवर्नर साहब और उनकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ये हाईवे को बंद करने का जो फैसला है उस पर दोबारा सोचें। 30 साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए, कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। क्या हम ये मान के चलें कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की? अगर मोदी साहब इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि 30 साल में सबसे ज़्यादा आज हालात ख़राब है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमें नहीं लगता है। मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 99 का इलेक्शन लड़ा, हमने 2000 में असेंबली पे कार बॉम्ब का ब्लास्ट होते हुए देखा, तब भी हमें ना इस हाईवे बंद करने की ज़रूरत महसूस